हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी आर्काइव टुगेदरनेस। हियर वी कवर ऑल टॉपिक रिलेटेड टू द फार्मेसी। इफ़ यू आर फार्मा स्टूडेंट और बिलोंगिंग टू द फार्मा फैमिली, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फार्मेसी आर्काइव टुगेदरनेस। हियर वी कवर ऑल टॉपिक्स। सो टुडेज अवर टॉपिक इज द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। इट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सेल। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस ऑल द ऑर्गेनल्स इन डिटेल। सो बेसिकली द ओवरव्यू ऑफ द सेल, हाउ इट इज डिस्कवर एंड देयर स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल एक्टिविटीज। इन दिस वीडियो वी कवर दिस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सो लेट गेट स्टार्टेड अवर वीडियो। सो डिस्कवरी ऑफ सेल, द इन्वेंशन ऑफ द लेंसेज, राइट। रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व किया था हमारे स्लाइस ऑफ अ कॉर्क, जो कि हमारे डेड प्लांट सेल था, उसको फर्स्ट टाइम मतलब ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, ही डिस्कवर्ड व्हाट ही ऑब्जर्व एज अ लिटिल बॉक्सेस। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि लिटिल बॉक्सेस के फॉर्म में हमारा सेल अपीयर हो रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल जो है, इसको हम लोग एंटोन वॉन लीवेनहुक के ने पहली बार इसको डिस्कवर किया सेल को 1675 में। द फर्स्ट पीपल टू ऑब्जर्व द लिविंग सेल, जिसने कि सबसे पहले हमारे लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। माइक्रोस्कोपिक स्टडीज है ये हमारी सारी। तो इसमें हमारे दो इम्पोर्टेंट टर्म आते हैं, एक हमारा आता है मैग्निफिकेशन, दूसरा हमारा आता है रिजोल्यूशन। तो मैग्निफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली ये क्या होता है, रिफर्स टू द माइक्रोस्कोप पावर टू इंक्रीज एन ऑब्जेक्ट अपेरेंट साइज। तो इसमें हमारा जो होता है ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग पावर इंक्रीज करते हैं ताकि उसको अपेरेंट साइज, मतलब कि उसको हम बहुत अच्छे से जूम करके आप कह सकते हैं देख सके। रिजोल्यूशन हमारा क्या होता है, रिजोल्यूशन रिफर्स टू द माइक्रोस्कोप पावर टू शो द डिटेल क्लियरली। रिजोल्यूशन बेसिकली हमारे क्लियरिफिकेशन के लिए है कि जो हम व्यू देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में वो हमें क्लियर विजन दे रहा है या नहीं। ठीक है, अब हम लोग सेल थ्योरी के बारे में देखेंगे। तो हु डेवलप द सेल थ्योरी, किसने डेवलप किया हमारा सेल थ्योरी में। तो बेसिकली हमारा मैथियस जो हमारा सिल्डन थे, ये इन्होंने 1838 में कंक्लूड किया दैट द ऑल प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल। इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं सेल से ही मिलके वो बने होते हैं। फिर उसके बाद हमारे थियोडोर स्वान आए, ये हमारे 1839 में आए। इन्होंने कंक्लूड किया दैट ऑल एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, कि जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं वो हमारे सेल से मिलके बनते हैं। तो बेसिकली दोनों ने सेम बात ही बोली, हमारे मैथ्यूस स्लीडन ने हमारे 1838 में, उसके बाद हमारे थियोडोर स्वान ने 1839 में। इन्होंने दोनों ने, एक ने प्लांट सेल के बारे में बताया कि वो सेल से मिलके बने होते हैं, दूसरे ने एनिमल सेल के बारे में बताया कि वो हमारे सेल से मिलके बने होते हैं। उसके बाद हमारे रुडोल्फ विर्चो आए, 1855 में ये आए। इन्होंने एक बहुत अच्छा टर्म दिया, इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारी सेल्स हैं वो उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेसिकली वो हमारी सेल फॉर्म होती है फ्रॉम अदर एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है सेल, उन्हीं से हमारे न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। इसी को उन्होंने अपने लैंग्वेज में कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, अब हम लोग सेल थ्योरी के बारे में देखेंगे। व्हाट इज सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या है हमारे। तो इसमें बेसिकली तीन हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं सेल थ्योरी के अंदर। पहला पॉइंट हमारा ये है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जितनी भी हमारे लिविंग बींग्स होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं एक या एक से ज्यादा तरह की सेल से। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल थ्योरी का, ये है कि सेल्स आर ऑर्गेनिजम्स। ये जो सेल्स होती हैं वो क्या है, ऑर्गेनिज्म, उसी से मिलके फॉर्म होती है। द बेसिक यूनिट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, सेल जो हमारी होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वही यहाँ पे हमारी बात कही गई है। थर्ड हमारा पॉइंट है कि सेल्स कम्स ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और द एग्जिस्टिंग सेल्स, जैसे कि रुडोल्फ विचरो ने हमारा 1855 में बताया था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं वो हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होती हैं, जो पहले से हमारी बॉडी में हैं, उन्हीं का डिवीजन होकर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका कंपोजिशन, वो कंपोज्ड हुए हैं एक या एक से ज्यादा तरह की सेल से।
ठीक है, सेल्स आर ऑर्गेनिज्म, जो सेल होता है वो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, और वो कैसे फॉर्म होता है, तो वो प्री एग्जिस्टिंग हमारी जो सेल्स होती हैं उन्हीं से फॉर्म होता है। अब हम सेल डाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे, तो बेसिकली हमारे सेल डाइवर्सिटी में अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज के शेप के और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेल डाइवर्सिटी आप देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, तो हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो बैक्टीरिया का होता है, इसका साइज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 10 माइक्रोमीटर होता है। दूसरा हमारा लार्जेस्ट सेल, जो कि हमारा स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया होता है, लार्जेस्ट सेल हमारी एक नर्व सेल होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है जिराफ नर्व सेल, तो सबसे लार्जेस्ट जिराफ की नर्व सेल होती है। इसका अगर आप टोटल लेंथ देखेंगे तो ये अप टू 2 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली ये 2 मीटर होता है। अगर बिगेस्ट सेल अगर आपसे कभी पूछा जाए तो बिगेस्ट सेल हमारा होता है तो वो ऑस्ट्रिच एग है, ठीक है, एक हमारा सेल की तरह ये बिहेव करता है। इसका अगर आप डायमेंशन देखेंगे तो ये 6 इंच लॉन्ग होता है, 5 इंच इसके ब्रेथ होती है, और ये इसका वेट अगर आप देखेंगे तो 3 पाउंड होता है। तो ये आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट सेल हमारा बैक्टीरिया होता है, लॉन्गेस्ट सेल हमारा जिराफ का नर्व सेल होता है, और बिगेस्ट सेल हमारा ऑस्ट्रिच का एग होता है। तो आई होप आपको ये इजीली याद हो गया होगा अब तक। अगर आप सेल डाइवर्सिटी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो यहाँ पे हमारे शेप के अकॉर्डिंग भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज आपको देखने को मिलेंगी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, मतलब दोनों में सिमिलरिटीज जो नहीं होती है, मतलब जो दोनों में डिफरेंस होता है उसी को यहाँ पे डाइवर्सिटी बोला जाता है, ठीक है। तो सेल डिफर वाइडली इन द शेप, वाइडली डिफर करते हैं शेप्स में, लेकिन हमारे जो मोस्टली हमारे सेल्स होते हैं, मोस्ट सेल आर द रफली क्यूबॉइडल और द स्फेरिकल। तो मोस्टली हमारे जो सेल का मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा टाइप का जो सेल हमको ऑब्जर्व होता है वो हमारा क्यूबॉइडल होता है या फिर हमारा स्फेरिकल सेल होता है। तो सेल डाइवर्सिटी में हम लोगों ने साइज का देख लिया है, शेप का देख लिया है, शेप में हमारे स्फेरिकल और क्यूबॉइडल शेप की होती है, ठीक है। सेल डाइवर्सिटी अगर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में आप सेल के अंदर जो हमारे ऑर्गेनिल होते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो उसमें हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो कि कंटेन करता है डीएनए, ठीक है। डीएनए आप जानते हैं कि ये हमारा जीन जो होता है, जो हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे डीएनए में ही स्टोर होती है। न्यूक्लियस क्या होता है, कंटेन डीएनए विच डायरेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस आप ये समझ लीजिए कि ये राजा है सेल का, जो कि सारी जो ऑर्गेनिल होती है उनको डायरेक्शन देता है, उनको एक्टिविटी देता है, और ये पूरी सेल को क्या करता है, अपने कंट्रोल में रखता है, उसकी एक्टिविटी को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है। दूसरा हमारा होता है ऑर्गेनिल होता है, ये सेल कंपोनेंट है दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन इन अ सेल। तो इसमें जो हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होती हैं, ठीक है, जो सेल कंपोनेंट होते हैं ये क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को ही परफॉर्म करते हैं। अगर आप सेल के टाइप देखेंगे तो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है वो बेसिकली क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है हमारा। तो ये हमारी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उसमें हमारे सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर आप बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की, तो सेल दैट लैक न्यूक्लियाई, उसमें न्यूक्लियाई नहीं होता है और किसी भी तरीके का हमारा बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। अगर आप यूकैरियोट वर्सेस प्रोकैरियोट का देखेंगे तो अगर आप, ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ यूकैरियोट्स में जो होता है, इसमें हमारे एनिमल्स, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्ट ये सारे आते हैं। अब प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो इसमें हमारे बैक्टीरियाज आते हैं, डिफरेंट ग्रेटली इन साइज, ठीक है, बैक्टीरिया आते हैं। तो ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें देखिए पिलाई है हमारा, टिक्की हमारा राइबोसोम है, ये कैप्सूल शेप हमारा इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। इसके बाहर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा सेल वॉल प्रेजेंट है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके नीचे हमारा न्यूक्लियोइड है। देखिए न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में, एक कंपैरेटिव स्टडी है हमारा ये। तो इसमें देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा पार्ट हमारा प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, कौन सा पार्ट हमारे यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है।
तो बात करेंगे अगर न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारा नहीं प्रेजेंट होता है, मैंने आपको जैसे पहले बताया उसमें न्यूक्लियोइड होता है, लेकिन यूकैरियोट की कंडीशन में हमारा क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस प्रॉपर प्रेजेंट होता है। अगर आप मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है, और उसमें हमारे यूकैरियोट सेल्स में होते हैं और मैनी होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा होते हैं। अगर साइज देखेंगे तो साइज यहाँ पे हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल का होता है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन हमारी यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उनका साइज हमारा 10 to 50 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, अब अगर हम ये देखेंगे कि कब ये इवॉल्व हुए हैं, तो ये हमारे 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब कि 3.5 बिलियन ईयर एगो हमारे जो पहले ही हमारे प्रोकैरियोटिक सेल फॉर्मड हुए हैं। अगर बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की तो ये हमारे 1.5 बिलियन ईयर एगो ही फॉर्मड हुए हैं। साइटोप्लाज्म में देखेंगे तो साइटोप्लाज्म हमारा दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। सेल मेम्ब्रेन अगर देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन भी हमारा दोनों में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेल वॉल हमारा क्या होता है कि हमारे कुछ हमारे सम होते हैं, सम कुछ होते हैं जिसमें कि प्रोकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होते हैं, और इन केस ऑफ यूकैरियोट से प्लांट में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल में हमारा प्लांट सेल कभी भी सेल वॉल हमारा नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइबोसोम्स की बात करेंगे तो राइबोसोम्स हाँ प्रेजेंट होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है। डीएनए की बात करेंगे तो हमारा जो प्रोकैरियोट में होता है वो हमारा सर्कुलर फ्री फ्लोटिंग हमारे जो डीएनए फॉर्मड होता है। ठीक है, और इसमें हमारा यूकैरियोट में देखेंगे तो इसमें हमारा क्रोमोजोम इन अ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, अगर यूकैरियोट में जाएंगे तो हमारे प्लांट्स एनिमल्स ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल का, तो ये देखिए जो हमारे ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, जो सबसे पहले हमारे साइटोप्लाज्म है जो आपको वायलेट कलर से अपीयर हो रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारी यूकैरियोटिक सेल है, और ये ऊपर जो येलो कलर से दिख रही है हमारी बैक्टीरिया है, ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है। अब पार्ट देखेंगे, पार्ट ऑफ द सेल्स, ठीक है, ईच लिविंग लिविंग सेल कैरीज आउट द टास्क ऑफ टेकिंग फूड, ट्रांसफरिंग द फूड इन टू एनर्जी एंड गेट रिड ऑफ द वेस्ट एंड द रिप्रोड्यूसिंग, राइट। तो इसमें हमारा क्या बताया गया है कि जो हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं वो कैरी आउट करती हैं डिफरेंट टास्क, ठीक है, डिफरेंट टास्क रिगार्डिंग टू द टेकिंग ऑफ फूड, मतलब फूड का इनटेक करना, फिर फूड को ट्रांसफर करना एनर्जी में, उसके बाद जो भी उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है उसी उसको बाहर निकालना, उससे गेट रिड होना और प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट न्यू सेल्स। तो ये हमारे डिफरेंट हमारे पार्ट्स ऑफ द सेल है जो कि डिफरेंट टाइप के टास्क को कैरी आउट करती है। तो मोस्ट यूकैरियोटिक सेल हैव थ्री कंपोनेंट, जो कि मोस्टली हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो थ्री मेन फंक्शन या कंपोनेंट होते हैं उसमें। ठीक है, तो हमारा उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोस्केलेटन होता है और न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन जिससे वो बाउंडेड होता है, साइटोस्केलेटन की बात करेंगे तो जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे सेल को, और हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल विल बी डिस्कस्ड, लाइक सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी। तो ये सारे पार्ट के बारे में इंडिविजुअली मैं बात करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।